स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट पेड़े। ड्राई फ्रूट पेड़े क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ड्राई फ्रूट पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम खोया ले लेते हैं। खोया को या तो कद्दूकस कर लेंगे या प्लेट में डालकर हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैं हाथों से ही अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। खोए को हम कढ़ाई में डालकर भून लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम ले लेते हैं 10-15 काजू, 10-15 बादाम, 10-15 किशमिश। तीनों को मैंने बारीक कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट को साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में मावा डालकर भून लेते हैं। इसका फ्लेम स्लो रखते हुए खोए को भून लेंगे। लगभग 2 मिनट भूनने के बाद खोए में आधे पिंच से भी कम येलो फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। 2-3 मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। खोए को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। खोए को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। मावा जब तक ठंडा होता है जब तक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। घी के हल्के से गर्म हो जाने के बाद ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं रखेंगे वरना ड्राई फ्रूट जल सकते हैं। एक या 1.5 मिनट के बाद किशमिश भी डाल देते हैं। एक मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद ड्राई फ्रूट को भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। मावा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मावे में 50 ग्राम बूरा डालकर मिक्स कर लेते हैं। मावा और बूरा को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खोए में बूरा मिक्स करने के बाद हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लेते हैं। अब थोड़ा सा खोया लेंगे, हथेलियों से गोल गोल घुमाते हुए इसका एक लड्डू तैयार कर लेंगे। उसके बाद उंगली से दबाते हुए इसमें स्टफिंग के लिए जगह बना लेंगे। चम्मच में थोड़ी स्टफिंग लेंगे, पेड़े के अंदर भर देंगे। एक्स्ट्रा स्टफिंग को हटा देंगे। उसके बाद अंगूठे से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबा देंगे। ड्राई फ्रूट भरने के बाद प्लेट में रख लेते हैं। बाकी के पेड़े भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। पेड़ा बनाना फिर से बता देती हूँ। गोल गोल घुमाते हुए लड्डू की तरह बना लेंगे। अंगूठे या उंगली की मदद से बीच में जगह बना लेंगे। अब स्टफिंग भरेंगे, अंगूठे से अंदर की तरफ दबा देंगे। उसके बाद प्लेट में रख लेंगे। ड्राई फ्रूट पेड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। ड्राई फ्रूट पेड़ा बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।